नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्पनास कुकिंग स्टाइल। आज हम बना रहे हैं स्पेशल कैरामलाइज्ड खीर। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया, इसे हम उबाल के रख दिया, और 70 ग्राम गोविंद भोग राइस। ये बंगाली स्पेशल राइस है, बहुत ही छोटा छोटा दाना होता है, इस टाइप की है। आप चाहे बासमती राइस भी ले सकते हैं। ये चावल को अच्छी तरह धो के हम आधा घंटा भिगा के रखेंगे। मैंने कढ़ाई में 1 टेबलस्पून घी डाला। अब काटी हुई काजू इसी तरह से हल्का से फ्राई कर लेंगे। इसका हल्का से कलर चेंज हो गया, अब हम सारे निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में डाल देंगे थोड़ी सी किशमिश। ये भी फ्राई हो गया, देखिए फटाफट इसे भी हम निकाल लेते हैं। हमने गैस पे दूध बैठा दिया और जो मैंने चावल भिगा के रखा था वो चावल अभी हम दूध में डाल दिया, और इसे हम फ्लेम हाई करके थोड़ा उबालने देंगे। मैंने गैस को इस टाइम पे हाई रखा, उबाल आ गया। इस वक्त गैस को हम थोड़ा स्लो करके इसे पकने देंगे, और बीच बीच में ऐसे हम हिलाते जाएंगे ताकि नीचे से ना लगे। हर 2 मिनट के बाद कड़छी से हिला देंगे ताकि नीचे से ना लगे। आधा घंटा हो गया, चावल पूरा गल चुका है। अभी भी एक खीर बहुत पतला है, तो इसे कैरामेल डालने के बाद और भी 2-3 मिनट पकाएंगे तो ये गाढ़ी हो जाएगा। तो इसी टाइम पे गैस ऑफ करके हम इसे साइड में रख लेते हैं। आप कैरामेल बना लेते हैं। मैंने जितना क्वांटिटी में चावल लिया उतना क्वांटिटी में मैंने चीनी एक पैन पे रख रही हूँ, और इसे गैस को कम करके इसे हम मेल्ट होने देंगे। हमें कैरामेल बनाना है तो इसे मेल्ट होने देते हैं। ये चीनी को हम यूं ही छोड़ देते हैं, ये धीरे धीरे मेल्ट होके फिर कैरामेल बन जाएगा, इसे हम बिल्कुल नहीं हिलाएंगे। ये चीनी धीरे धीरे मेल्ट होने लगा, ये कैरामेल के कलर आ रहा है, तो मैंने इसे थोड़ा से धीरे धीरे ऐसे हिलाएंगे और ये चीनी धीरे धीरे मेल्ट होते जाएगा। अब इसी स्टेज में हम थोड़ा से इसके मिला देते हैं ताकि पूरी तरफ से कलर आ जाए चारों तरफ। देखिए बहुत ही सुनहरा कलर हो रहा है। गैस को इस टाइम पे हम स्लो ही रखेंगे। ये पूरी तरह से कैरामलाइज्ड हो गया, देखिए कलर कितना प्यारा है। इसी टाइम पे हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम उतार लेंगे, उतार के ठंडा होने देंगे। देखिए दूध ढक के रख दिया था और भी एक खीर गाढ़ा हो गया। अभी हम इसमें वो जो कैरामेल बनाया था वो डाल देंगे। और इसे मिलाएंगे। इसके बाद हमें उसे और 2 मिनट इसे हमें पकाना है। देखिए खीर के कलर कितना अच्छा आ गया। अभी हम जो फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट रखा था उसको डाल देंगे इसके ऊपर और इसे मिक्स करेंगे। खीर पहले से और भी गाढ़ी होगी। अब लास्ट में डालेंगे 2 इलायची के छोटे इलायची का पाउडर। इसमें खीर की बहुत ही अच्छा खुशबू होता है। इसको भी और मिक्स करेंगे। जिन लोगों को थोड़ा मीठा ज्यादा पसंद है वो और थोड़ा चीनी डाले। देखिए प्रॉपर हो गया, और हम इसे थोड़ा से हल्का से पतला ही रखेंगे क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो खीर और भी ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी। इस वक्त हमको गैस को ऑफ कर देना। मैंने गैस ऑफ कर दिया, अब इसे ठंडा होने के बाद हम साफ करेंगे। 10 मिनट के बाद खीर थोड़ी सी ठंडी हो गई। खीर आप पहले से और भी ज्यादा गाढ़ी दिख रहा है, बाद में और भी ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी।
तो आप इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए कलर कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इसका पर फ्राई किया हुआ काजू और किशमिश से थोड़ा गार्निश कर लेते हैं। ये खीर नॉर्मल खीर से थोड़ा से डिफरेंट टेस्ट है, थोड़ा हटके है। आप भी बनाइए इसे घर पे। और ये रेसिपी अच्छा लगे तो मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाला रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मिलेंगे और एक रेसिपी के साथ। आप सब खुश रहिए, हेल्दी रहें। टेक केयर, बाय।